नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर। उत्तराखंड की आवाज में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे घोटाले के बारे में जिसकी जांच की आंच राज्य के कई बड़े नेता और बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई है। NH-74 घोटाला, करीब 300 करोड़ का यह घोटाला राज्य के बड़े घोटालों में से एक है और अब इसकी जांच कर रही है SIT ने। इस मामले में 2 IAS अधिकारियों की जांच करने की परमिशन की मांग की है। अब सवाल यह खड़ा होता है, आखिर घोटाले में शामिल वो 2 IAS अधिकारी कौन है? सवाल यह भी कि आखिर उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। NH-74 घोटाले की जांच का दायरा अब और बड़ा होता जा रहा है। इस मामले की जांच रिपोर्ट SIT ने मुख्य सचिव को दे दी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि रिपोर्ट को मुख्य सचिव को देने के बाद SIT ने इस बार DOPT से 2 IAS अधिकारियों खिलाफ जांच करने की इजाजत मांगी है। DOPT यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब सबसे पहले आप समझिए कि DOPT आखिर है क्या। DOPT ही देश के IAS अधिकारियों को कंट्रोल करता है। DOPT ही IAS अधिकारियों के तबादलों से जुड़े मसलों को देखता है। अगर किसी IAS अधिकारी के खिलाफ कोई जांच करनी है तो पहले DOPT से परमिशन की जरूरत पड़ती है। अब सवाल यह है कि आखिर घोटाले में शामिल वो 2 IAS अधिकारी कौन हैं? इसका खुलासा तो नहीं हो पाया, लेकिन अब सबकी नजर DOPT पर टिकी है, क्योंकि DOPT अगर जांच की परमिशन देता है तो घोटाले में शामिल उन 2 बड़ी मछलियों के नाम भी बाहर आ सकते हैं। मैंने शुरू में आप लोगों से एक बात कही थी और प्रदेश की जनता से कहा था कि कोई भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब इसमें वो छोटा कर्मचारी है या बड़ा अधिकारी है, ब्यूरोक्रेट है, वो सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। जो जिसने गलत किया है उसको उस गलती की सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। NH-74 घोटाला उत्तराखंड राज्य के सबसे बड़े घोटालों में एक है। इस घोटाले में कई अधिकारी जेल जा चुके हैं। खुद CM त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस घोटाले की SIT जांच की कई बार तारीफ कर चुके हैं। वहीं इस मामले में 2 IAS अधिकारियों की जांच की बात सामने आने के बाद अब कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। सरकार ने SIT जांच बैठा दी, उस जांच के घेरे में अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए सरकार को विधिक राय लेने की आवश्यकता नहीं है। सरकार जो है कहे SIT को, आदेश करे SIT को कि जो भी लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई करने का काम करे, जिस तरीके से अन्य जो छोटे अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की गई है, तो फिर बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करने से सरकार हिचक क्यों रही है? और मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, तो जब जीरो टॉलरेंस इतनी है तो फिर भाई कार्रवाई भी करके दिखाओ। CBI की जांच कहाँ गई? CBI ने जो टेक ओवर करने के लिए घोषणा करी थी वो कहाँ गई? मुख्यमंत्री का जो बयान था उसका क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी की अब इसके बारे में क्या राय है, क्या हुआ? जीरो टॉलरेंस का क्या हुआ? कुछ पता नहीं। अब सवाल ये बना हुआ है कि क्या SIT ने इस मामले की जांच पूरी कर दी है और बस कुछ वक्त में SIT इस मामले में कोई बड़ा खुलासा करेगी, या फिर ये SIT की शुरुआती जांच रिपोर्ट है। करीब 300 करोड़ के NH-74 घोटाले में अब तक 20 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। अब अगर DOPT इस मामले में उन 2 IAS अधिकारियों की जांच की परमिशन देता है तो इस घोटाले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाकई में एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। मेहमानों से आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेश बंसल साहब हैं, आपका स्वागत है। इसके अलावा राजेंद्र भंडारी साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और राजेंद्र जोशी साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। गुजारिश आप लोगों से इतनी है कि छोटे छोटे स्टेटमेंट दें और सधे हुए दें, क्योंकि चर्चा का वक्त कम होता है। लेकिन शुरुआत राजेंद्र जोशी जी आपसे, केवल इसे 300 करोड़ घोटाला मत समझा जाए, ये एक तरीके से कहें तो धर्मयुद्ध था नई सरकार के लिए, जीरो टॉलरेंस के इकबाल के लिए। शुरुआत इसी से की गई, सदन में जाकर इसको लेकर बयान दिया गया और अब 2 IAS अधिकारियों के नाम आ रहे हैं। अफवाहों पर अगर ध्यान दें तो उधम सिंह नगर के उस दौर के DM को लेकर चर्चा अफवाहों में कम से कम है, जिनकी फाइल मुख्य सचिव के यहां पहुंचा दी गई है। कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं एक पत्रकार के नाते, उत्तराखंड वासी के नाते, इस जीरो टॉलरेंस को लेकर? आगे
देखिए, सरकार के सामने इस समय एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है, इस समय इसको जीरो टॉलरेंस को साबित करने का बहुत बड़ा एक मुद्दा है, और सरकार चाहे तो इस समय इस जीरो टॉलरेंस के पर अगर बैक करती है तो इनके दावे खोखले नजर आएंगे, और अगर आगे बढ़ती है तो सरकार की वाई वाई होगी। और उत्तराखंड के इतिहास में, इस 18 साल के इतिहास में, ये शायद ये पहला मामला अगर होगा कि जिसमें अधिकारियों को, अभी तक 20 अधिकारी तो जेल जा चुके हैं और दो आईएएस अधिकारी जिन पर शक की सुई घूम रही है एसआईटी की जांच की, वो अधिकारी भी शिकंजे में होंगे। और मेरा मानना है कि ये त्रिवेंद्र सरकार के लिए और भाजपा सरकार के लिए एक मौका है इस बार उत्तराखंड से भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने का जी, और इस पर अगर ये सरकार कामयाब होती है तो सरकार की देश और दुनिया में बहुत अच्छा एक परिणाम जाएगा, रिजल्ट जाएगा जी। हमारे साथ नरेश बंसल साहब भी जुड़े हुए हैं। नरेश बंसल साहब, जो रिपोर्ट हमने दिखाई उसमें सूर्यकांत धस्माना साहब ये कह रहे थे कि देखिए, आपने सीबीआई जांच की बात कही थी, अब क्योंकि दो आईएएस अधिकारियों का जिक्र आ रहा है और खूब वाहवाही हुई थी जब आपने सीबीआई जांच की बात कही थी, उसके बाद हालांकि वो एक खत सामने आया जिसकी वजह से हो नहीं पाई, वो एक अलग विषय है, लेकिन अब क्या नहीं लगता कि एक बड़े स्तर की जांच की जरूरत, क्योंकि दो बहुत बड़े नाम सामने आ रहे हैं अब? देखिए, मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं जी, सूर्यकांत धस्माना जी क्या कह रहे हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है जी, लेकिन सरकार और कानून अपना काम करेंगे जी, भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस हम साबित करके दिखाएंगे जी। अभी तक भी आपने देखा है कि 20 लोग जेल जा चुके हैं जिसमें 8 पीसीएस एसडीएम लेवल के अधिकारी हैं जिनके आदेश से दूसरे लोग जेल में जाते हैं जी, और जिस पर भी सुई आएगी कानून अपना काम करेगा, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, और किसान हो, नेता हो, कोई हो, इसमें बख्शेगा नहीं जाएगा। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसानों ने भी आकर के आगे कहा है और हाई कोर्ट के आदेश से स्टेट बैंक में खाता खुला है कि हम पैसा वापस कर रहे हैं जी, कुछ पैसा जमा भी हो गया है जी। लेकिन वो जांच जितनी जितनी बढ़ती जाएगी निश्चित रूप से एक अंजाम तक पहुंचेगी। आप देखेंगे कि जांच पूरी पुख्ता सबूतों के साथ हो रही है, राजनीतिक दृष्टि से कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक भी जो अरेस्ट हुआ है उसको जमानत नहीं मिली अभी तक जी जी, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद जी जी। तो पूरे सधे हुए कदमों के साथ जीरो टॉलरेंस को सार्थक करते हुए सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, और मुझे लगता है इसमें सरकार यशस्वी होगी। नहीं, निश्चित तौर पर आप ही की बात से मैं सवाल पूछता हूं आपसे, क्योंकि नौकरशाही के ऊपर शिकंजा तो कसरा ये सब हम देख रहे हैं, 20 लोगों को आपने डाल दिया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं, आगे भी अगर कार्रवाई होगी तो बधाई के पात्र होंगे, लेकिन आपने खुद जिक्र किया कि इसमें सफेदपोश लोग भी शामिल हैं, और अगर अफवाहों को या आपकी ही पुरानी बातों को मान लेते हैं चुनावों से पहले तो आप कांग्रेसियों पर आरोप लगाते थे, अब क्योंकि तमाम कांग्रेसी भाजपाई हो गए हैं तो लोगों के जहन में यह सवाल आता है कि जो वहां पर चोरी डकैती करके आए थे, जिन पर आप आरोप लगाते थे, उन पर भी कार्रवाई करेंगे उसी खुले मन से, क्योंकि कई लोग आपके हो गए? निश्चित रूप से जांच में कोई भी आएगा, अभी अभी आपने मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट दिखाया है जी, कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, पर जब तक जांच में आ ना जाए जी, जब तक तो किसी का कुछ नहीं कर सकते जी, करेंगे तो पुख्ता सबूत के साथ करेंगे ताकि उसकी जमानत भी ना हो। ठीक है, कोई भी बचेगा नहीं, कोई भी हो, कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, किसी को भी उसके पद के कारण से बख्शा नहीं जाएगा, निश्चित तौर पर के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि जीरो टॉलरेंस के इकबाल को आप बुलंद करके चले। राजेंद्र भंडारी साहब भी हमारे साथ हैं। राजेंद्र भंडारी साहब, एसआईटी की अगर बात की जाए तो उसकी शुरुआत आपकी तरफ से की गई थी, कांग्रेस की तरफ से, लेकिन यह भी सत्य है कि आप ही के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे जिनको इसी मामले में लेकर एक राउंड की जांच पड़ताल हो गई है, कई सारे सवाल आपको लेकर भी हैं, आज अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, अब क्या आपका मोड ऑफ रिएक्शन यहां पर है? देखो, पहले तो एसआईटी जांच का कोई मतलब ही नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सदन में कहा है कि हम सीबीआई से जांच करवाएंगे जी, ये वक्तव्य है माननीय मुख्यमंत्री जी जी जी। अब क्यों पलटे, केंद्र की कौन सी चिट्ठी आई, क्या उस चिट्ठी में था, उससे पलट गए, फिर एसआईटी में जांच करवा दी जी। और जहां तक कांग्रेस है, कांग्रेस का अगर कोई भी नेता है तो हम तो कह रहे हैं भाई, गुनाहगार को तो सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का है, किसी भी जाति का है, धर्म का है, इसमें कानून से बड़ा थोड़ी है कोई। और हम कहते हैं कि उत्तराखंड में जब तक लगाम नहीं लगेगी, भ्रष्टाचारियों की नकेल नहीं कसी जाएगी, जब तक इसका पर्दाफाश नहीं होगा, बड़ी बड़ी मछलियों को जब तक नहीं फंसा जाएगा, तब तक जो है कोई भी भ्रष्टाचार करने से डरेगा नहीं। नहीं तो सरकार एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे, सरकार आपकी थी उस दौरान, आपके पूर्व अध्यक्ष को इसमें बुलाया गया, बातचीत की गई, तो आपको नहीं लगता कि आपकी क्रेडिबिलिटी पर अगर बड़ी बड़ी मछलियां सारी निकल आए सफेदपोश नेताओं की?
कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे इधर का हो चाहे इनके इधर का हो, कहीं का भी हो, जो गुनहगार है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने गलत काम किया है, उसको सजा हर हाल में होनी चाहिए, चाहे मैं ही क्यों न हूं, चाहे मेरा ही दोस्त क्यों नहीं है। इसमें तो कानून से बड़ा कोई नहीं है। और देश में समय समय पे ऐसा हुआ है, ऐसा आज पहली बार थोड़ी हो रहा है। देश के तमाम राज्यों में जो भी गुनहगार रहे हैं सजा भुगती है, जेलों में रहे हैं, जेलों में है, ऐसा थोड़ी कि वो नहीं है। ये यहाँ पर उत्तराखंड है, यही पहली बार हो रहा है, ये हर जगह होता है जो भी गुनाहगार रहता है, और एक समय के बाद वो पछता नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल जीरो टॉलरेंस है क्या, एक बार दिखा तो दो, छोटे छोटे लोग जेल में हैं, बड़े लोग ऐश कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, तो एक बार बड़े लोगों के गिरेबान तक भी हाथ जाना चाहिए, हम इसके समर्थक हैं। जी, आप ही की बात को मैं बंसल साहब के पास ले जा रहा हूं, क्योंकि बंसल जी दो अहम बातें भंडारी साहब ने कही। एक सीबीआई जांच का जिक्र किया, जिसमें आपकी तरफ सदन में कहा गया था कि 15 दिन के अंदर यह मामला टेक ओवर कर लिया जाएगा, उसको लेकर क्या अब आपको लगता है कि मौजूदा दौर में उसकी आवश्यकता है या फिर एसआईटी क्लियर है? और दूसरा सवाल ये हर किसी के जहन में सवाल आता है कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ये जांच जो है लंबी खिंच जाएगी और 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, या चुनावी सीजन में कुछ ऐसा होगा, या फिर जिस बात को बार बार हम सभी कह रहे हैं कि इकबाल होना चाहिए जीरो टॉलरेंस पर? देखिए, मैं सबसे पहले तो राजेंद्र भंडारी जी ने जो कुछ कहा है जी, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर बात कही है जी, और इस बात का समर्थन किया है कि गुनाहगार कोई भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए जी, और मैं आश्वस्त करता हूं कि कोई भी बचेगा नहीं जी, जांच लंबी खिंचेगी नहीं। और मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच के लिए कहा था जी, इसलिए कहा था कि सब लोग कहते हैं कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए जी, पर एसआईटी को खत्म नहीं किया था जी, और उस एसआईटी ने बहुत अच्छा काम करके दिया है जी, थोड़े समय में ही 20 लोगों को जेल पहुंचाया, मैंने बताया 8 लोग तो वो हैं जो स्वयं अपनी कलम से दूसरे लोगों को जेल पहुंचाते हैं जी, और अभी आपने बताया कि उसकी रिपोर्ट में 2 IAS आ रहे हैं जी, हो सकता है आगे चल के और भी आए, अभी तो रिपोर्ट आई है, आगे आगे देखो होता है क्या। निश्चित रूप से आप मानेंगे कि ये सरकार निर्णय लेने वाली सरकार है, जांच लंबी नहीं खिंचेगी, हम अपने कार्यकाल में इसको तार्किक उस पर पहुंचाएंगे। सीबीआई मिल जाती, टेक ओवर कर लेती, बहुत अच्छा था जी, लेकिन हमने उसके इंतजार में ये नहीं किया कि सीबीआई तो जब करेगी करेगी, एसआईटी बंद कर दियो जी, हमने एसआईटी से जांच कराते रहे और एसआईटी ने अच्छा काम किया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। ठीक है, इसी बात का जवाब जो है राजेंद्र जी मैं आपसे लूंगा कि सीबीआई मिल जाती बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं, हमारी नियत है उस ओर काम कर रहे हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि सीबीआई जांच को लेकर जो चिट्ठी सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि जांच की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि अधिकारियों का मनोबल गिरेगा, अब क्योंकि अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है, नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन 2 अधिकारी हैं और अफवाहें यह कहती हैं कि उधम सिंह नगर के उस दौर के डीएम साहब थे, अगर अफवाहों पर ध्यान दे तो, सूत्रों के अनुसार क्या अब आवश्यकता है और कितना यह मामला अगर बात की जाए तो अहम रखता है मौजूदा सरकार के लिए? अब देखिए, ये दोनों जो अधिकारियों का नाम जो अभी तक चर्चाओं में आ रहा है, जो सूत्रों से के हवाले से जो खबर मिल रही है, वो दोनों अधिकारी वहां पर आर्बिट्रेटर रहे हैं जी, और उन्हीं के आर्बिट्रेशन के दौरान जो है वो जो बड़ा घोटाला है उसको स्वरूप दिया गया। और चर्चाएं तो बहुत कुछ है कि जो अधिकारी हैं वो दोनों उत्तराखंड के अभी तक के चर्चित अधिकारियों में से रहे जी, जी, कई सारे गबले घोटाले उनके नाम अंकित हैं जी, तो वो अलग, वो जांच का विषय है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि आप जांच एसआईटी से हो या सीबीआई से हो जी, सवाल उसका नहीं है, सवाल ये है कि उस जांच के परिणाम तक हमको पहुंचना होगा, उस जांच का परिणाम जनता को, प्रदेश की जनता को दिखाई देना चाहिए जी। और वो जांच जो है, लगता है अभी तक जो जिस तरह से जांच चल रही है, मैं तो जो एसएसपी उधम सिंह नगर है सदानंद दाते, जिनके अंडर में वो एसआईटी चल रही है जी जी, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उस जांच को एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचा दिया है। अब आगे सजा की कब नंबर आएगा, भाई किसको सजा दी जाए, किसको छोड़ा जाए जी, वो दूसरा पहलू है। लेकिन उसके अलावा उसमें कुछ और नेताओं का नाम भी है जी, उसको भी सामने आना चाहिए, वो भी सामने आना चाहिए, जब क्योंकि ये पूरा घालमेल है, अधिकारी नीचे से छोटे कर्मचारी से लेकर के नीचे अधिकारी और नेता तक का जी, तो वो सब भी, वो भी खुलना चाहिए कि कौन कौन तो इसी को लेकर एक सवाल और पूछ लेता हूं आपसे मैं, राजेंद्र जी एक सवाल और पूछ लेता हूं, राजेंद्र भंडारी साहब और कांग्रेस पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, वो बार बार कह रहे हैं कि आप जांच करवाइए, नेताओं को भी डालिए, आप कह रहे हैं कि देखिए नेताओं के नाम है, तो क्या कांग्रेस इसलिए ज्यादा रिलैक्स नजर आ रही है क्योंकि उसके तमाम नेता इधर शिफ्ट हो गए हैं उस दौर में जो बड़े बड़े नेता थे? ये भी लग सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कॉन्फिडेंट हम इसलिए हैं कि हम भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते हैं जी,
और अगर भ्रष्टाचार कोई भी करे जी, तो हम उसको बिल्कुल समर्थन नहीं करते, हम उसके बिल्कुल अपोज में हैं। अब नेता इधर है चाहे उधर है, ये जांच का विषय है। जांच में अगर बड़े मछली नहीं फंसी तो फिर छोटे लोगों का जेल जाने से कोई फायदा नहीं है। राजेंद्र जोशी का लोगों को पता चलना चाहिए। देखिए बार-बार कहा जा रहा है भाई बड़ी मछली पकड़ी जाए, जिसकी सरकार में घोटाला हुआ जिसके दौरान का मामला है वो खुद कह रहा है कि बड़ी मछली पकड़ा जाए। क्या इशारा करता है ये संकेत, बड़े मायने रखते हैं। राजेंद्र जोशी साहब क्या उस बात में दम है कुछ नजर आ रहा है बेटे? अभी आपको मैंने जी जी मैंने भी आपको संकेत में बताया है कि जो बड़े अधिकारी थे, बड़े अधिकारी तो आ गए हैं सिकंजे में जी, अब वो कितना उनके इनके पास एसआईटी के पास पुख्ता प्रमाण है उसके, वो उस पर डिपेंड करता है कि उनको सजा तक पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है उनके जो साक्ष्य हैं। नंबर एक। नंबर दो, जो नेताओं का जो नाम आ रहा है वो ये उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदता का भी परिणाम हो सकता है कि कौन इस समय कुछ लोग वहां से यहां आ गए हैं, कुछ लोग यहां के वहां जाएंगे, ये तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता है। लेकिन प्रदेश के इतिहास में ये एक बहुत अच्छा अध्याय अगर जुड़ जाएगा, अगर इसमें सजा तक नेता या अधिकारी कर्मचारी तो चले गए सब जेल, 20 कर्मचारी जेल चले गए हैं जी। ये पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में हुआ है कि किसानों को मुआवजे का पैसा 1.69 करोड़ रुपए करीब जो है इन्होंने वापस दिया है जी। ये भी एक इतिहास बना है जी। ये कहीं ना कहीं देखो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके प्रति ईमानदारी का भी मैं द्योतक मान सकता हूं जी। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मामला इस कानून का पालन कहां तक हुआ, ये बात कहां तक कितनी साबित कर पाते हैं एसआईटी या कोर्ट में कितने ये मामला स्टैंड कर पाता है वो उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन चलिए ठीक है सर, का जीरो टॉलरेंस का जो डायरेक्शन समझ गया, तभी सफल माना जाएगा जब नरेश बंसल साहब हम आपके पास आएंगे। और दो बड़ी अहम बातें नजर आ रही हैं। राजेंद्र जी ये कह रहे हैं कि देखिए, दोनों राजेंद्र जी की बात करूंगा एक एक करके मैं। राजेंद्र साहब हमारे भंडारी साहब कह रहे हैं कि देखिए बड़ी मछलियों को आप पकड़िए, विपक्ष जब ये कहे जिसके दौरान घोटाला हुआ हो, इसके बड़े सवाल खड़े होते हैं, जहन में सवाल आते हैं दर्शकों के भी। दूसरा जोशी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए अब इस मामले को बढ़ाइए क्योंकि ये मामला अब पहचान से जुड़ गया है। आप आए सदन में, पहला भाषण इस पर हुआ, कार्रवाई हुई। आज धस्माना साहब भी कह रहे थे कि देखिए उतने वक्त के बाद आज बयान सामने आया। अगर यहां से बड़ी मछलियां पकड़ी जाती हैं, सारा क्रेडिट आपका है, इकबाल आपका बुलंद होगा। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा बड़ी मछलियों को लेकर बार बार, कितना इंपॉर्टेंट ये मामला रखता है और कब तक उम्मीद करें अब हम कि हाँ अब कुछ बड़ा हाथ में आने वाला है, कुछ अच्छा खबर देने वाले हैं जिसकी शुरुआत 1.5 साल पहले आपने की थी। निश्चित रूप से कोई भी मछली छूटेगी नहीं, बड़ी मछली कितनी भी हो, क्योंकि मुझे वो भी संज्ञान में है जिस समय मीडिया में छपा जी कि एक किसान ने कहा कि मेरे नाम 19 करोड़ रुपए लिखे हैं पर मुझे तो 9 ही करोड़ मिले जी, और वो 10 करोड़ किसको गए ये भी पूछा जाएगा, बताएगा वो भी जी। तो बड़ी मछली जिनके पास भी पैसा गया होगा जी वो सब आएंगी, कोई बचेगा नहीं जी। निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं, हमारी पार्टी की सरकार किसी को अनावश्यक किसी को तंग नहीं करेगी और अपराधी को छोड़ेगी नहीं जी। भंडारी साहब बहुत बड़ी बात कही गई है कि 9 करोड़ आ गए, 10 करोड़ नहीं आए। इसी मामले को लेकर एसआईटी ने बुलाकर आपके एक बड़े नेता है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनसे पूछताछ की थी। आपको नहीं लगता कि इस अगर मामले में जिस तरीके से आप खुद डिमांड कर रहे हैं, आप पर ही सवाल खड़े होंगे और आप पर कई आरोप लगेंगे भ्रष्टाचार से लेकर करप्शन को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है और सारा क्रेडिट चला जाएगा उधर, आपका जो दांव उल्टा पड़ जाएगा आप पर? हम क्रेडिट के लिए थोड़ी यहां पर उत्तराखंड में आए हुए हैं, हम लोगों के सेवक हैं और क्रेडिट से इसका कोई मतलब नहीं है। ये अगर करप्शन हुआ है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचारियों को सजा मिलनी चाहिए। पर भाजपा जो बोलती है क्या करती है? क्या भाजपा बड़े बड़े नारे देती है, बड़ा बड़ी बातें करती है, क्या आज तक किसी बात का क्या पूर्ति की है? क्या जितनी बातें ऊपर से लेके नीचे तक नेताओं ने की है क्या एक भी पूरी हुई है क्या? अरे पहले दो बड़े अधिकारियों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जो देंगे ना सर, रोका गया है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन को आश्वस्त करते हैं कि सीबीआई की जांच होगी तो फिर सीबीआई की जांच को टर्न डाउन क्यों किया गया? सदन में दिया हुआ लेकर चर्चा हमने कई बार की है। केंद्र से चिट्ठी आती है माननीय मंत्रीगणों की कि नहीं नहीं ये अधिकारियों का मनोबल टूट जाएगा। अरे भाई आप संतुष्ट नहीं है, भ्रष्टाचारी है, आप संतुष्ट नहीं है जांच से, लूटा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भंडारी साहब आप संतुष्ट नहीं चल रहे हैं इस जांच से? हम ये नहीं कह रहे हैं एसआईटी ठीक जांच नहीं कर रही, हम ये नहीं कह रहे हैं, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि हम सीबीआई जांच करवाएंगे, ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं, ये सदन का उनका ठीक है। राजेंद्र जोशी साहब चर्चा का समापन करना है, क्लोजिंग कमेंट आपसे 20 सेकंड केवल।
देखिए, मैं तो केवल एक बात कह रहा हूँ कि जांच के मुद्दे पे हम ना उलझे, एसआईटी पे उलझे ना हम सीबीआई पे उलझे। जांच सही दिशा में चल रही है, इस बात पर नहीं, नहीं, हम क्यों ना करें भाई। मुख्यमंत्री जी ने सदन में बोला कि सीबीआई से जांच में क्यों नहीं बोला, राजनीति क्यों नहीं बोलेंगे हम, जो माननीय ठीक है सर, हम आप दोनों की बातें समझ गए। जांच में ना उलझे, आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं और शायद यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नरेश बंसल साहब, क्योंकि आप जांच के परिणाम बीजेपी की तरफ से यहाँ पर आए, 20 सेकंड आखिरी आपके लिए, कितनी इंपॉर्टेंट ये जांच है, क्योंकि मामला सीधे जुड़ा हुआ, विपक्ष बार बार सवाल कर रहा है, क्या हम देखने वाले आगे, क्लोजिंग कमेंट। निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेंगे, प्रदेश की जो जनता चाहती है वो होगा, चाहे सीबीआई होती। अभी इन्होंने कहा कि सीबीआई में चिट्ठी आ गई, अधिकारियों का मनोबल गिरेगा। अरे अभी एसआईटी ने जब कहा है तो वो अधिकारियों तक ही तो जा रहा है जी, वो अधिकारी बच का नहीं है। नहीं, नहीं, वो तो एसआईटी करे या सीबीआई करे, लेकिन वो होगा बंसल जी। और सीबीआई को मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने ईमानदारी से लिखा भी, लेकिन अब सीबीआई ने नहीं टेक ओवर किया। ठीक है, हमारे हरेश बंसल जी, राजेंद्र भंडारी साहब, राजेंद्र जोशी जी, आप तीनों हमारे साथ पहुंचे अपनी अपनी पार्टी का, और राजेंद्र जी आपने हमारे साथ पक्ष रखा, आपका तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। समापन के तौर पर बस इतना ही कहेंगे, क्योंकि ये मामला अपने आप में बहुत ज्यादा अलग है, पहली बार किसान खुद सामने आ रहा है, तमाम अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, और एक तरीके से धर्मयुद्ध बन गया है जीरो टॉलरेंस को लेकर। अब जनता को लेकर जो जीरो टॉलरेंस का इकबाल बुलंद करने कोशिश की गई है, उम्मीद करेंगे वो बुलंद होगा जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नाम आ रहे हैं, हर बड़ी मछली पकड़ी जाएगी, ताकि उत्तराखंड के इतिहास में अपने आप में एक मिसाल हो जाए और इकबाल बुलंद रहे। इसी उम्मीद के साथ आज की चर्चा में बस इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।